अब खबर है गढ़चिरौली जिले से, जहां चंद्रपुर जिले की शराबबंदी का विरोध करते हुए मुक्तिपथ तालुका देसाईगंज में तहसीलदार को विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा। तो सुनिए इस मौके पर देसाईगंज की नगराध्यक्ष शालुताई दंडावते ने सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि से क्या बातचीत की। राज्य की महाविकास आघाड़ी द्वारा चंद्रपुर जिले की हटाई गई शराबबंदी का निषेध करते हुए देसाईगंज मुक्तिपथ तालुका संगठना द्वारा गढ़चिरौली जिले की शराबबंदी जैसी थी वैसी रहे तथा पूरी तरह शराबबंदी की जाने की प्रमुख मांगों को लेकर देसाईगंज मुक्तिपथ कार्यालय से निकलकर तहसीलदार तथा मुख्यमंत्री को विविध मांगों का ज्ञापन भिजवाया गया। इस समय मुक्तिपथ संगठना तथा गाँव शराबबंदी समिति द्वारा नारे लगाकर राज्य शासन का निषेध व्यक्त किया गया। इस समय देसाईगंज की प्रथम नागरिक नगराध्यक्ष शालुताई दंडावते, उप संचालक मुक्तिपथ सावड़कर, तालुका संयोजक जगदीश नागपुरे, तालुका मुक्तिपथ संगठक भारती उपाध्याय तथा गांव शराबबंदी समिति की महिला तथा पुरुष सदस्य उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर सिटी न्यूज प्रतिनिधि इलियास खान ने वहां पर मौजूद देसाईगंज की नगराध्यक्ष से इस संबंध में जब उनकी प्रतिक्रिया जानी तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए उन्हें जुबान। इतने दिनों चंद्रपुर जिले की उठी हुई दारूबंदी को लेकर इस समय गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज तहसील के अंदर में मुक्तिपथ संगठना द्वारा यहाँ पर गढ़चिरौली जिले की जो दारूबंदी उसको हमेशा के लिए कायम रहने के उद्देश्य से लेकर यहाँ पर निवेदन दिया गया। हमारे साथ में इस समय देसाईगंज के नगर अध्यक्ष शालुताई दंडावते हैं। मैडम, किस उद्देश्य से आप यहाँ पर निवेदन दिए हो और आपकी इसमें प्रमुख मांगनी क्या है? हमारी मांगनी यही है, चंद्रपुर जिले की जो दारूबंदी उठाई है उन्होंने, तो हमारा कहना यही है कि व्यसन मुक्ति के तरफ से और 30 गांवों के तरफ से सब हमारी महिला पुलिस पार्टी सरपंच जो कोई लोक प्रतिनिधि है उनके और हमारे कहने से ऐसा लगता है हमको कि गढ़चिरौली जिले की दारूबंदी कायम रखना चाहिए और ये गवर्नमेंट ने जो पहले दारूबंदी कायम थी वैसे ये महाविकास आघाड़ी ने ये चंद्रपुर जिले की दारूबंदी उठाई है, तो हम सब महिला वर्ग उनका निषेध करते हैं। और हमने तहसील ऑफिस में जो निवेदन दिया है वो निवेदन मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पालक मंत्री जी और जिनको उनको लगता है उनको जो आमदार है यहाँ के उनको देना चाहिए, कलेक्टर को, एसपी को देना चाहिए। और ये जो महिला बचत गट है उनके माध्यम से दारूबंदी होती है तो मुझे ऐसा लगता है पुलिस कमेटी जो है, दक्षता कमेटी, जो सामाजिक सुरक्षा कमेटी है वो फिर से चालू करना चाहिए। और वो दक्षता कमेटी से बहुत कुछ दबाव रहता है और जो एरिया का बीट जमादार है उनसे उनकी मुलाकात होती है, वो उनको अपनी बात बताते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर मुक्तिपथ संगठन तथा और भी दीगर संगठनों द्वारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन तथा महसूल प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कड़क से कड़क दारूबंदी की अमल बजवानी गढ़चिरौली जिले के अंदर में होना चाहिए, इस प्रमुख मांगनी को लेकर आज मुक्तिपथ संगठन द्वारा देसाईगंज के तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। गढ़चिरौली से कैमरा पर्सन अब्दुल वहीद के साथ इलियास खान की रिपोर्ट।